दामोदर कुंड हम आ गए हैं श्री राधा दामोदर जी मंदिर जूनागढ़, जो गिरनार भवनाथ तलेटी के पास है। मेन रोड पे ही स्थित है श्री राधा दामोदर जी मंदिर। गिरनार पर्वत भवनाथ तलेटी के पास पहुंचने से पहले ही श्री राधा दामोदर जी मंदिर आता है, तो उनका विजिट करते हैं अभी। ये है श्री राधा दामोदर जी मंदिर और यहाँ पे है श्री दामोदर कुंड। दामोदर कुंड से प्रख्यात है ये जगह। श्री बलदेव जी मंदिर और रेवती जी का मंदिर भी है यहाँ पे। और यहाँ पे है भक्त कवि श्री नरसिंह मेहता जी की प्रतिमा, जिन्होंने अपनी भक्ति और कविता से भगवान को कई बार प्रसन्न किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। ये है भक्त श्री नरसिंह मेहता जी। ये है दामोदर कुंड, जहाँ पे पितृअर्पण, अस्थि और राग विसर्जन करने की महिमा है। दामोदर कुंड में अस्थि विसर्जन करते हैं तो अस्थि पूरी गल जाती है। यहाँ पे अपने पितृओं को मोक्ष मिलता है, ऐसा कहा जाता है। पितृतर्पण करने का यहाँ पे बहुत ही महात्मा है। श्री कृष्ण के भाई बलदेव जी ने यहाँ पे जूनागढ़ स्थित रेवती जी से ब्याह किया था। श्री बलदेव जी का चौरा और रेवती जी का कुंड भी है यहाँ पे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, गिरनार क्षेत्र के अधिपति भगवान श्री राधा दामोदर जी, श्री रेवती जी, बलदेव जी का प्राचीन मंदिर। श्री दामोदर कुंड से आप गिरनार पर्वत के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जैन मंदिर, जैन तीर्थम और माँ अम्बे जी का मंदिर। श्री दामोदर कुंड में स्नान करने से आपके सब पाप मिट जाते हैं, धुल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे भक्त श्री नरसिंह मेहता जी कुंड में स्नान करते थे और कविता से भगवान की भक्ति करते थे। दर्शन करें श्री तीर्थेश्वर महादेव मंदिर। ओम नमः शिवाय। अभी चलते हैं ऊपर, श्री राधा दामोदर जी के करते हैं दर्शन। यह मंदिर जो है श्री कृष्ण भगवान के वंशज वज्रनाभ जी ने बनवाया था। भगवान श्री दामोदर जी के दर्शन करने से पहले भगवान के प्रिय गौ माता के दर्शन करें यहाँ पे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में गौशाला है, जिसमें आप दर्शन कर सकते हैं गौ माता के, लेकिन अभी है नहीं। यहाँ पे देखिए पूरा महात्म्य लिखा है हिंदी में और गुजराती में। यहाँ पे 84 लाख योनि में से और आदि व्याधि उपाधि में से आप मुक्त हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे श्री राधा और दामोदर जी विराजमान है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे पूरा। और ये है गौशाला, लेकिन अभी गौ माता है नहीं। और यहाँ पे है गोदान, आप यहाँ पे गोदान करना है तो गोदान कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल ट्रैवलर्स द नाइस ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर दे, ताकि आपको ऐसे ही खूबसूरत वीडियो मिलती रहे। इस दिव्य तीर्थधाम की यात्रा करने के लिए भारत से ऋषि मुनि आते रहे हैं, जिनके आगमन से यह भूमि और पावन बन गई है। दर्शन करें श्री राधा दामोदर जी के। महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी ने यहीं पर श्रीमद् भगवद गीता की पारायण की थी। स्वामीनारायण संप्रदाय के स्थापक श्री सहजानंद जी महाराज, श्री जलाराम बापा, श्री आपा गीगा जैसे नामी अनामी अनेक महात्माओं के सत्संग से यह भूमि में अलौकिक पूजा का निर्माण हुआ है। श्री चिंतामणि गणपति दादा जी के दर्शन करते हैं।
श्री राधा दामोदर जी मंदिर के आसपास जंगल आपको देखने को मिलेगा, जंगल में वाइल्ड एनिमल्स भी आपको शायद देखने के मिल जाएंगे, क्योंकि शेरों का स्थान गिर जंगल यहाँ से नजदीक में ही है। गिरनार पर्वत दर्शन आपने अभी तक किए नहीं है तो हमारे लास्ट वीडियो जरूर देखिए, आपको सब दर्शन हो जाएंगे। देखिए गिरनार पर्वत दर्शन, श्री दामोदर जी मंदिर बहुत ही अलौकिक और भव्य मंदिर है, श्री राधा दामोदर जी मंदिर। भवनाथ तलेटी से पहले गिरनार जंगल में जूनागढ़ में स्थित है दामोदर कुंड। ये वो दामोदर कुंड है जहाँ पे नरसिंह मेहता जी स्नान कर रहे हैं। दामोदर जी का कुंड यहाँ पे गिरनार में जूनागढ़ में, और जो नरसिंह मेहता थे यहाँ पे ये कुंड है, ये कुंड में स्नान किया करते थे नरसिंह मेहता जी। और आज का जो व्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ट्रैवलर्स द नाइस ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसे ही खूब वीडियो मिलती रहे।